हे यारेलकम बिस वीडियो वी विल डिस्कस मार्लोज वर्क विच इज अनफिनिश्ड एंड द नेम ऑफ द वर्क इज द मैस्क्रट पेरिस इसी वीडियो में हम करेंगे एक पोएम को जिसका नाम है हीरो एंड लियडर एंड द सेकेंड पोइट्री इज द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव तो स्टार्ट करते हैं द मैस्ट पैरिस से तो ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1593 में एंड ये वर्क भी एक हिस्टोरिकल प्ले है ये एक अनफिनिश वर्क है अनफिनिश है क्योंकि उससे पहले ही मार्लो की डेथ हो गई थी क्योंकि उनको किसी ने स्टैप कर दिया था एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन तो ये क्योंकि हिस्टोरिकल प्ले है तो इसका मेन बैकग्राउंड आता कहाँ से है तो एक्चुअल में ये मैस्कर हुआ था पेरिस में फिफ्टीन सेवेंटी टू में विच मीन्स कहीं ना कहीं नाइनटीन ट्वेंटी ईयर्स बैक जब ये वर्क लिखा गया उससे पहले तो उस टाइम पे हुआ था सेंट बारथोलोम्स डे पर एक मैस्कर हुआ था ये एक जगह का नाम है जो भी चीज़ है वहाँ पर मैस्कर क्या होते हैं जहाँ पर एक लार्ज स्केल में लोगों को मारा जाता है जैसे कि जलिया वाला बाग हमारे इंडिया में हुआ था वैसे ही तो उस टाइम पर क्या हुआ कि पेरिस में ऐसा ही हुआ था तो एक दिन ऐसा हुआ कि थ्री थाउजेंड प्रोटेस्टेंट को एक ही रात के अंदर अंदर मार दिया गया था किसने मारा था जो कैथोलिक किंग था जो रूलर था उसने मारा था और उसके बाद जो कैथोलिक किंग थे उसको मार दिया गया था उसका मर्डर कर दिया गया था इन फ्रांस तो इससे क्या हुआ कि उसी चीज़ को बेस करके ये वर्क लिखा गया है तो ये आखिर मैस्कर हुआ क्यों था क्योंकि आपको याद होगा कि इस बैकग्राउंड में इस, इस स्टेज पे इस एज में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो प्रोटेस्टेंट थे एंड जो कैथलिक्स थे उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे ऑल दो क्वीन एलिजाबेथ ने एक स्टेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी लेकिन फिर भी जो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं जो हेटेड की फीलिंग थी वो लोगों के अंदर अभी भी थी क्योंकि ठीक है हर बंदा अपना रिलीजन फॉलो कर रहा है लेकिन एक दूसरे के लिए वो इतना ज़्यादा लविंग नहीं थे तो वैसे इस टाइम पे फ्रांस में भी था सेम सिचुएशन फ्रांस में भी चल रही थी और वहाँ पर तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट थी क्योंकि जो सोशो पोलिटिकल कंडीशन भी बेकार थी रिलीजियस कंडीशन भी बेकार थी और कैथलिक्स जो थे वो प्रोटेस्टेंट को हेट कर देते थे प्रोटेस्टेंट थे वो कैथलिक्स को हेट कर देते तो ये मैस्कर हुआ था क्योंकि वहाँ का जो रूलर था वो कैथलिक था तो कहीं ना कहीं स्कॉलर्स बोलते हैं ये बिलीव करते हैं कि मार्लो ने ये वर्क लिखा था टू वॉन्ट पीपल कि देख लो हिस्ट्री हिस्ट्री रिपीट सट अगर तुम नहीं सुधरोगे या फिर अभी भी तुम एक दूसरे के लिए हेट्रेड की फीलिंग रखोगे तो जो चीज़ दो सौ ट्वेंटी ईयर्स बैक हुई थी वो दोबारा से भी हो सकती है क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराएगा और दोहराता भी है तो हिस्ट्री रिपीट सिट अगर तुम नहीं सुधरोगे तो ऐसा ही होगा और एक तरीके से वार्निंग भी हो सकती है क्वीन एलिजाबेथ के लिए कि ठीक है तुमने एक स्टेबल इन्वॉर्मेंट दिया है स्टेबल गवर्नमेंट स्टार्विश करी है बट जो डेंजर है दिस इज़ नॉट सो फार वो ब्रिटिश में भी ब्रिटेन ब्रिटेन में भी आ सकता है जो चीज़ें फ्रांस में हुई थी वो ब्रिटेन में भी हो सकती हैं सेम नाम से एक और प्ले लिखा गया था सिक्सटीन एटी नाइन में जिकोबियन एज में जिसको लिखा था नथिलेन ली ने उसका नाम था मैस्कर ऑफ पेरिस ये है मैस्कर एट पेरिस तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ऑफ और ऐट का डिफरेंस नाउ हम करेंगे हीरो एंड लियडर ये एक पोइट्री है जो कि लिखी गई थी फिफ्टीन नाइन्टी एट में इट रिटेल्स द ग्रीक मिथ ऑफ हीरो एन लियडर तो एक लेजेंड है एक स्टोरी है जैसे कि हम राम सीता की कहानी बोल सकते हैं फिर बीच बीच में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं मिथ्स में हैं हमारे लेजेंड्स में हैं तो वैसे एक ग्रीक लेजेंड की एक स्टोरी है हीरो एंड ली की तो उस वर्क उस स्टोरी को लेके उस मिथ को लेके मार्डो ने अपना ये वर्क लिखा है पोइट्री लिखी है अब ये वर्क जो था ये कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि ये पोइट्री में कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है तो इस पोइट्री को कंप्लीट करते हैं जॉर्ज चैपमैन जो कि एक ट्रांसलेटर थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट किया है होमवर्क को भी ट्रांसलेट किया है तो उन्होंने इस वर्क को कम्प्लीट किया था तो अगर मैं इसकी मेनली प्लॉट की बात करूँ सिनॉपसिस की बात करूँ तो इसमें होता ऐसा है कि इसमें दो लवर्स हैं लिव्स इन अ सिटी लेकिन सिटी के दोनों ही अपोजिट साइड्स में रहते हैं एक अलग साइड पे एक दूसरे साइड पे और बीच में एक सी है और सी का नाम है पॉन्ट तो जो हीरो है हीरो एक लड़की का नाम है हीरो आप हीरो मत समझ लेना तो हीरो एक लड़की का नाम है एक प्रिस्ट है वो एक प्रिस्टेस है प्रिस्टेस है वो विनेस की विनेस कौन है शी इज़ द गॉडेस ऑफ लव लव एंड ब्यूटी तो वो लव एंड ब्यूटी की जो गॉडेस वीनस है उनकी एक पुजारी है उनको पसंद मतलब पसंद नहीं करती उनकी वर्शिप करती है तो वो एक वॉल लेती है शी विल रिमेन चेस्ट इन हर एंटायर लाइफ लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है और वहाँ पर वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम है लियंडर अब लियंडर भी एट द फर्स्ट साइट वो उसे पसंद करता है एंड जो हीरो है वो भी रेसिप्रोकेट करती है शी फॉल्स इन लव विद हिम एज वेल तो लेकिन इसने अभी अभी एक वॉल लिया होता है कि विल रिमेन चेस्ट तो हीरो से तो जो लियडर उसे कन्विंस कर लेता है कि ठीक है ऐसा वैसा कुछ नहीं है कुछ डरने की बात नहीं है कन्विंस कर लेता है उसे कि ठीक है चेस्ट है कि कुछ होगा नहीं तो उसके बाद की स्टोरी शुरू होगी तो लियडर से बोलता है हीरो को कि ठीक है तुम अपनी विंडो पे क्योंकि वो दूसरी साइड रहती थी तो वो बोलता है कि आप तुम अपनी विंडो पर एक लैंप जलाना हर नाइट जब वो उस लैंप को देखिएगा तो वो वो जो हेल स्पॉट था उसको स्विम करके आएगा और वो दोनों साथ में रहेंगे इन एवरी नाइट तो वो उस चीज़ को एग्री कर लेती है तो फर्स्ट नाइट जब लियडर स्विम कर रहा होता है एंड ही वॉज सीन बाय अ गॉड अ गॉड गॉड ऑफ सी अब नेपच्यून यहाँ पर भी होमोसेक्सुअल रिलेशन दिखेगा अभी आपको तो जो नेपच्यून है जो कि गॉड है सी के वो सोचते हैं कि जो बंदा स्विम कर रहा है ही इज गैनमेड अब गैनमेड उनका लवर था जो कि मेल था तो ये दिखाता है होमोसेक्चुअल रिलेशन को तो उन्हें लगता है कि लियडर गैनमेड है और वो लेके चले जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द ओशियन लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये बंदा वो बंदा नहीं है उनका लवर नहीं है तो वो उसे वापस चला के जो शोर है वहाँ पर डाल देते हैं इट वॉज अ मिस्टेक और उसके रिस्पॉन्स में जो गॉड है नैपचून है वो उसे एक ब्रेसलेट देते हैं जो कि उसे कभी भी डूबने नहीं देगा सिंक नहीं होने देगा उसके बाद लेंडर जाता है डोर पे नॉक करता है हीरो से मिलता है एंड शी नहीं किट दैर उसके बाद दिखा दिया कि दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हो रही उसके बाद जो मॉर्निंग है वो स्टार्ट होती है और पोइट्री खत्म हो जाती है इसमें इसको जिस तरीके से लिखा गया हो उसे बोलते हैं एपिलियम ई पी वाई डबल एल आई ओ एम एपिलियम होता है लिटिल एपिक ना तो वो एपिक होगी ना ही वो लिरिक होगा इसका जो सब्जेक्ट होता है वो लव से रिलेटेड होता है और ये क्वेश्चन एक बार आ रखा था टू के दिसंबर बैच में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट पोइट्री है द पैशनेट शेफर्ड और टू हिज लव ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कार्पेडियम का ये पब्लिश हुआ था 1599 में अब कार्पेडियम क्या होता है आपने सोचा होगा कभी अगर आपने जॉन्डन की पोइट्री पढ़ी है देन ऑब्वियसली यू नो और अगर नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे मतलब कि हम बोलते हैं ना कि आज है तो आज ही आज जी लेते हैं कल की छोड़ देते हैं जो होगा देखा जाएगा लेकिन जो एट द प्रेजेंट ऑफ द मोमेंट जो है उसे इंजॉय करना ज़रूरी है तो कारपेडियम का मतलब होता है सीज द डे आज का दिन कब्जा कर लो सीज कर लो और आज के दिन को अच्छे से जियो तो यही इसका मेन मुद्दा था इसकी फर्स्ट लाइन बहुत फेमस है कम लिव विद मी एंड बी माई लव ये इसकी फर्स्ट लाइन है इस पोइट्री की जो बहुत फेमस है इस वर्क के रिस्पॉन्स में सर वॉल्टर रैली ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम है नीफ रिप्लाई टू शेफर्ड इसमें मेनली जो क्वेश्चन मार्लोन ने अपनी पोइट्री में पूछे थे या फिर बोले थे उसका रिप्लाई वॉल्टर डैले ने दिया है इसमें अब इसमें मेनली होता क्या है जो प्लॉट अगर मैं स्नोपिस की बात करूँ पोइट्री में क्या हो रहा है कि जो स्पीकर है पोइट्री को वो अपने किसी समवन को मे बी अपने लवर को बोलता है या फिर उसे तो सड्यूस कर रहा है और ये बोल रहा है कि ठीक है तुम तो यहाँ आ जाओ मेरे पास आ जाओ कम लिव विद मी एंड बी माई लवर हम यहाँ पर रहेंगे जो एरिया है जो रूरल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है सेंशुअल है सेंशुअल प्लेजर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है सिन नहीं है और सोर नहीं है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि तुम तो यहाँ पे आ जाओ मैं तुम्हारे लिए कैब बनाऊँगा विद अ लॉट ऑफ फ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए बेड बनाऊँगा विद अ लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोज़ेज़ मैं तुम्हारे लिए स्लीपर्स बनाऊंगा वो इससे बने होंगे गाउन्स बनाऊंगा वो इससे बने होंगे तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉमिसेज करता है वो इसमें तो उसी ये पोइट्री में बस इतना ही था तो इसी के रिस्पॉन्स में सर वॉल्टर अली ने एक वर्क लिखा है नेम रिप्लाई टू शेफर्ड उसमें उन्होंने इसी का क्वेश्चन किया है कि ठीक है तुमने बोला तुम मेरे लिए थाउजेंड्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ रोजेस का एक बेड बनाओगे बट तुम बनाओगे कैसे इस तरीके से उसी के रिस्पांस पे तुमने बोला मेरे लिए स्लीपर्स बनाओगे पर तुम स्लीपर्स कैसे बनाओगे तो मुझे लाइफ लॉन्ग प्यार कैसे करोगे या फिर जब एज बढ़ने लग जाएगी व्हेन वी ग्रो ओल्ड तो मुझे तब पसंद नहीं करोगे तो इस तरीके से एक तरीके से उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने पोएट्री को लिखा था एंड दिस इज एट फॉर मार्डो हमने मार्डो के लिए ऑलरेडी दो तीन लेक्चर्स ले लिए हैं बट मार्डो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट हम हमने कर लिया है एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बाकी के यूनिवर्सिटी वीडियो को डिस्कस करेंगे अगर आपको लगता है कि वीडियोज बोरिंग हो जाती हैं या फिर ये सीक्वेंस में चलना बोरिंग हो जाता है आप एक दो दिन का रेस्ट ले लीजिए दो तीन तो दिन के बाद वापस आइएगा चैनल पर आपको सारी वीडियोस तो मिल ही जाएंगी सीक्वेंस में तो आप तब पढ़ सकते हैं तो बोर नहीं होना है अपना इंटरेस्ट बना कर रखना है बहुत लंबा गैप भी नहीं देना है क्योंकि बहुत लंबा गैप आपकी चीज़ों को इरेज कर देता है मेमोरीज को इरेज कर देगा सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू थिंक दैट आई एम वर्द इनफ टू प्रेज तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट वर्द इनफ है तब आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो प्लस आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो कोई कंपलशन नहीं है बट या अगर आप कमेंट uh, करते हो देन ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है मुझे आगे भी वर्क करना है क्योंकि हाँ ठीक है कुछ लोग हैं जो मुझे एटलीस्ट प्रेज तो कर रहे हैं मुझे एटलीस्ट क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय